जाओ। ओह हाय प्रिया, हाउ आर यू? ओके, हाउ आर यू? हाउ हैव यू बीन? बस अब ठीक है। आई मीन मैं आते ही तुमसे मिलना चाहती थी, लेकिन हाँ तुम्हें लगा मैं तुम्हें फिर से परेशान करूंगा, क्यों? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। असल में इससे पहले कि मैं तुमसे कुछ कहूँ, राहुल ने तुम्हें किडनैप कर लिया लगता है। आज मैं तुम्हें किडनैप करती हूँ, चलो एक कॉफी हो जाए। नहीं प्रिया, प्रिया आज नहीं, आज मुझे बहुत काम है और किसी से मिलना भी है, फिर कभी, ठीक है? तो तुम बिजी हो गए हो, समरी स्पेशल? हाँ सब अपनी अपनी जगह स्पेशल है यार। कोई बात नहीं, ये ट्रीट मेरी है, कम ऑन। तुम बहुत बदल गए हो। वक्त ही बदल गया यार। यस सो स्ट्रेंज, मैं भी वही हूँ, तुम भी वही हो, बट व्हाट द हेल, मैं क्यों नहीं कह पा रही हूँ जो मैं फील कर रही हूँ। क्या कहना चाहती हो तुम? आई मीन मुझे बुरा लग रहा है, ये बात कि तुम अब मुझे मिस नहीं करते मुझे बुरी लग रही है। डोंट टेक मी रॉन्ग, आई डोंट वॉन्ट टू फॉल इन लव विथ मी अगेन, बट I always wanted to be special to you. Who says कि मैं तुम्हें भूल गया हूँ प्रिया? It's like कि जब आप 18 साल के होते हैं तब आपको पता नहीं चलता है, ये तो बाद में पता चलता है कि आपके दिल में कई खाने हैं और उसमें सबके लिए अलग अलग जगह है, different compartments, you see? हम सब इस दौर से गुजरते हैं लेकिन सबको लगता है कि हमारा प्यार अलग है। आज इन सबके बारे में मैं बात कर सकता हूँ, तुम्हारे साथ हंस सकता हूँ, लेकिन उन दिनों I was just stupid, Priya, isn't it? उन दिनों जब मैंने तुमसे ना कहा था, तो तुमको लगा कि तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। But now we have grown, यार, है ना? आज सब कुछ कितना trivial लगता है, crazy, isn't it? Yet, what's life without these heartaches and heartbreaks? Yeah. तुम प्रियंका खन्ना मेरा पहला प्यार, जहां भी रहना खुश रहना, एंड ऑल द बेस्ट, आई विल नेवर फॉरगेट यू। पर आज मुझे बहुत जरूरी है, आई हैव गॉट टू गो, आई हैव एन अर्जेंट मीटिंग टू अटेंड, सी यू सम अदर टाइम, बाय, सी यू, बाय। I'm sorry, sweetheart. Please forgive me. I'm sorry for being late. मैं जानता हूँ तुम मेरा काफी देर से इंतजार कर रही हो। अगर तुम मुझे माफ करना चाहो तो कर सकती हो। Otherwise, I'm ready for the punishment. मैं नाराज नहीं हूँ। What? Are you okay, Priya? क्योंकि जिस प्रिया को मैं जानता हूँ, अगर उसे कोई 10 मिनट भी वेट करवाए तो वो उसे जिंदगी भर बात नहीं करेगी। And I'm precisely 40 minutes late. मुझे राजा मिल गया था। वक्त, sweetheart, वक्त। वक्त ने राजा को बदल दिया है। अब क्या राहुल सेठ को पता था कि वो एक लड़की के लिए पागलों की तरह दीवाना हो जाएगा? टाइम स्वीटहार्ट, टाइम। यस राहुल, टाइम। और टाइम कह रहा है कि मुझे अब चलना चाहिए। कहाँ? अभी तो मैं आया हूँ, तुम्हें जाने की क्या जरूरत है? मेरा अपॉइंटमेंट है। अच्छा तो तुम्हारी ये नई स्ट्रेटेजी है, पहले नाराजगी ना दिखाना, बाद में एक्स्ट्रा फुटेज खाना। खा लो सोनिया। राहुल मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ और एक्स्ट्रा फुटेज भी नहीं खा रही हूँ। Let me go. You're not going. It's important. Coffee? No. Cold drink. Priya, आज का मौसम इतना अच्छा और वैसे भी तुम रजत को काफी दिनों बाद मिली हो. Please don't go. So let's celebrate. Priya, तुम हंसते हुए बहुत सुंदर लगती हो. एक दिन तुम्हारे लिए इतना सारा हंसूंगी, ठीक है? Cold drink, Priya. गर्म है, but don't go. Be a good boy और जिद मत करो. मैं तुमसे बाद में मिलूंगी, कल. Bye. प्रिया प्लीज डोंट गो, ये तो वाकई में चली गई। प्रिया प्रिया तुम नहीं जानती मैंने तुम्हें कितना मिस किया, रात दोपहर दिन, आई मीन व्हाटएवर। प्रिया प्लीज डोंट गो। राहुल आई हैव टू गो। नो प्रिया, बाय बाय, सी यू। प्रिया प्लीज, आई नीड यू प्रिया, आई नीड यू।
अरे जिससे बात करी वो बहरा है क्या? शू यस पेरिस ए बाय या या आई एम गोइंग टू लाइक मैडम क्या सॉरी रितु हाउ आर यू कहां से बोल रही है तू मेरी मुझे दे मुझे तुझे कैट कैंपिंग के लिए चूज किया कॉमरेड क्या कैसी है तू तेरी कितनी याद आती है अरे मैंने तेरे लिए आलू की सब्जी बनाई है तेरी फेवरेट खुशबू आ रही है ना अब जल्दी बात करो ना अरे मेरी बात करो तुमको सबको हेलो बोल रहे हेलो काट दिया क्या हुआ काट क्यों दिया मैंने बात ही कहां की मैंने थोड़ी काटा उसने काटा उसके पास पैसे खत्म हो गए थे मुझे नीचे खींच कर लाने की क्या जरूरत थी अरे मुझे क्या मालूम था कि तुम्हारे से बात नहीं हो पाएगी अज्जीजू पता है वो कहां से बोल रही थी पेरिस पेरिस Yes, उसे एड कैंपेन के लिए चूज किया है। Wow, यार, that's great. Paris, House of Fashion, God, कितने लोग चाहते हैं वहाँ जाने के लिए। I don't believe she's so lucky. चलो चलो मुझे देर हो रही है मैं चलता हूँ। अच्छा तुम्हारा लंच। अब आंटी मैं कहीं बाहर खा लूँगा, okay? Bye, Richa. Bye. चलो जल्दी आना। Sure. कम से कम तुम्हें तो इस घर में मेरा इंतजार रहता है। Thanks. Bye. Bye. तुम जीजू से सीधे से बात क्यों नहीं करती? तुमने उसे क्यों नहीं कहा कि तुम उसका इंतजार करोगे? मेरी मर्जी। इन तीनों लड़कियों ने सपने देखे थे इस घर में अब जब ऋतु का सपना पूरा हो रहा है तो ऋचा भूल भी गई है कि उसका सपना क्या था पता नहीं शायद मेरी किस्मत खोटी है जो तुम लोगों का सपना पूरा होते हुए नहीं देख सकती मामा आप ऋचा को समझाती क्यों नहीं कुछ फायदा है उसे समझाने का डोंट वरी मामा आपकी ऋतु तो बहुत खुश है ना उस लड़की को मैं अच्छी तरह जानती हूँ जो अंदर है वो बाहर कभी नहीं दिखाएगी इतनी जिद्दी है इतना प्यार करती है विक्रम से लेकिन बस कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी उसने मुझे भी मना किया है कि विकी से बिल्कुल बात नहीं करना इस घर में सब पागल है मॉर्निंग ओ गुड मॉर्निंग हे वेरी गुड यार आज सिर्फ 2.5 घंटे लेट कोई नहीं आज फिर से सारा काम मैं अकेले कर लूंगा You've messed up the whole place. I'm a really naughty boy. तुम्हारी राय मेरे बारे में बहुत अच्छी है वो तो है ये देखो I finished this. Finito. Sate Industries की list of assets. हाँ इनमें main asset राहुल का नाम नहीं है You want coffee? No thanks. तुमने कॉस्मो इंटरनेशनल की डिटेल्स तो लिखी नहीं है हां वो मैं कर रहा हूं सॉरी थोड़ा टाइम लगे विकी वी डोंट हैव टाइम आई नो दैट यार गॉड यू साउंड लाइक माय बॉस हे आर यू मिस्टर सेट वो फाइल का हे लुक एट दिस नाइस नॉट बैड यू इंप्रूविंग आई हैव गॉट समथिंग फॉर यू फॉर मी ग्रेट गिफ्ट गिफ्ट यार वो फाइल नहीं मिल रही मेरे लिए वाओ अच्छा अच्छा समझा तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करने की रिश्वत है गुड मूव यस वाओ प्लानर प्लानर मैंने इसमें भर दिया कि तुम्हें किस दिन क्या करना है ग्रेट मैंने तुम्हारा पूरा साल अपने नाम लिखवा दिया है ओह गॉड हे राहुल का क्या होगा यार विल मैनेज एनीवे आई एम नॉट जनरली दैट डिसऑर्गेनाइज्ड ओके मुझे पता है कल रात मैं प्रोजेक्ट लेकर बैठा तो था लेकिन मेरे अमेरिका वाले दोस्त का फोन आ गया एंड ही मेंशन ऋतु एंड विकी तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं मैं जानती हूँ कि हमारा और तुम्हारा मकसद एक है यू आर राइट एक ये प्लानर तो बस एक माइलस्टोन है जो हमें ये बताता है कि हम कितना आगे बढ़ चुके हैं और हमें कितना और आगे बढ़ना है So let's get back to work. Let's. Because I have promises to keep and you've got miles to go before you sleep. Work. Hi, Raja. I just wanted to call you up, yaar.
एंड से थैंक्स। थैंक्स किस बात के लिए यार? तूने प्रिया को कंपनी दी ना इसीलिए। क्या बात है यार, मेरे प्रिया को कंपनी देने से तेरे को कब से खुशी होने लगी? अब मेरे को तेरे से कोई खतरा नहीं रहा यार। और बता, हाउस ये स्वीट 16 कब मिलवा रहा है? साले तेरे से तो कभी नहीं मिलवाऊंगा, पहले भी बाजी मार चुका है तू। तू जा कहां रहा था? कुछ नहीं यार, वो प्रिया के चलते ब्रीफ के अंदर भूल गया था, वही लेने जा रहा हूं। उसके बाद मीटिंग है और फिर उससे मिलने जाऊंगा। किस्मत वाला यार, मेरी गर्लफ्रेंड तो किसी इंपॉर्टेंट काम से गई है और मैं यहाँ तेरे साथ टाइम पास कर रहा हूँ। पर वो तो विक्रम से मिलने गई है ना? विक्रम से? ऐसा ही कुछ कर रही थी, पता नहीं मैं ही गलत सुना। हाँ ऑफ कोर्स, विक्रम और प्रिया एक साथ काम कर रहे हैं इसलिए। ओके बाय राजा। चल सी यू, मिलते हैं फिर। क्या यार ये नंबर ही नहीं मिल रहा। विकी, we need to buy a computer. Great. First we need to buy the money. ऐसे प्रेजेंट नहीं कर सकते उनको ये सब। क्यों? क्या फर्क पड़ता है? After all, it's the figures that are important, yeah, not the look. Oh yes, the figure. 36, 24, 36. Come on, yaar. I didn't mean that. I mean quotation. But still, I think the look still counts, you know. Acha? That's why, in spite of being beautiful, girls take so long to get ready, yeah. Thank you so much, Vicky. But do you think I'm overdressed? I mean. अरे, क्या कर रही हो तुम? मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा था, यार. I was just talking generally. फिर भी बताओ ना प्लीज, आई मीन तुम्हें बताना पड़ेगा। अरे गुंडा कर दिया क्या? एंड प्लीज दफ्तर में गर्ल बॉय वाला नाटक मत करो। हां, यू आर जस्ट मिस्टर खन्ना। मिस्टर खन्ना? हां, आई मीन मैंने कभी तुम्हें गौर से देखा ही नहीं यार। हाउ इंसल्टिंग, तुमने मुझे कभी गौर से देखा ही नहीं। ओफो प्रिया, तुम हर एक चीज का गलत क्यों मतलब निकाल रही हो? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन आज तुम मुझे जरा गौर से देखो। लुक, दूर रहो मुझे। हाँ, दूर रहो। पागल हो गए क्या? हमें काम करना है यार। देखो ना विक्रम शर्मा। ए, एक लड़की देखी थी मैंने, बस बहुत हो गया। अब कोई लड़की वड़की देखने का टाइम नहीं है मेरे पास। गुड बॉय, तुम टेस्ट में पास हो गए। हाय राहुल। हाय विक्रम। हाय। तुम यहाँ कैसे आ गए? मैं गाड़ी से आया हूँ प्रिया। एक्सक्यूज मी गाइस, मैं अभी आया। तुम कमाल हो राहुल। कमाल का मैं हूँ या तुम हो? तुम तो कह रही थी तुम्हारी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मेरे लाख रोकने पर भी तुम नहीं रुकी प्रिया। सो दिस इज योर इंपॉर्टेंट मीटिंग, वेरी नाइस। राहुल, लेट्स नॉट फाइट। इस बारे में मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। बाद में नहीं, अभी। I just want you to come with me right now. मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा हूं। राहुल, listen. सुनो, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है, इसलिए आप घर जाइए मिस्टर खन्ना। जाइए, आज दफ्तर बंद हो चुका है। थैंक्स विकी। हाथ में लगा। थैंक्स एनीवे, बाय। ये क्या मजाक है राहुल? क्या मजाक? आई लव यू डैमिट। मैंने तुम्हें इतना रोका कि मुझे लगा तुम्हारी किसी प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग है, और यहाँ के देखता हूँ दैट यू आर रियली हैविंग अ नाइस टाइम प्रिया। हम दोनों साथ में काम करते हैं, वी फॉर्मड अ कंपनी। अब उस कंपनी में मैं तुम्हारे साथ तो काम नहीं कर सकती ना। क्यों कर सकती हूँ? पर विकी के साथ क्यों? क्योंकि क्योंकि मैं विकी को बचपन से जानती हूँ एंड इज एक्सपीरियंस्ड। एनीवे फॉरगेट ऑल दिस, तुम यहाँ क्यों आए थे? क्यों, जहाँ तुम काम करती हो मैं वहाँ आ नहीं सकता क्या? राहुल, ये मेरा घर नहीं है। This is a working place. I could see that, Priya. Vicky, तुम्हें खूबसूरत समझे ना समझे, इससे तुम्हें बहुत फर्क पड़ता है। Oh my God! मैं सिर्फ मजाक कर रही थी। जो आप मीन करते हैं, उसे इतनी आसानी से नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं। Where are we going? Okay, that's it. Ash. हाँ। अगली बार अगर तुमने मुझे अपने घर पे बुलाया ना,
तो मैं जरूर सरदर्द का बहाना बना दूंगी। It's the same thing, baby. Your eyes are the mirrors of your soul, you know. Shut up, Ash. क्या कहा आपने? कुछ नहीं, तुम्हारा सिर. लो, मैं बांध देता हूँ यार. बिल्कुल नहीं. क्यों क्यों? अच्छा, अब मैं समझा. तुम इस रुमाल को दुपट्टा समझ बैठोगी और फिर तुम्हारी आंखें शर्म से झुक जाएंगी, right? ऐसे? बिल्कुल right. Mind it, Ash. By the way, ये खुद घर पेंट करने का आइडिया तुम्हारे पास आया कहाँ से? वो तुम्हारे साथ शाम गुजारने का और कोई अच्छा बहाना ही नहीं मिला, so I thought, ये लो, पकड़ो। अगर तुमने मुझसे पूछा होता ना, तो मैं तुम्हें एक ब्रिलियंट आइडिया देती। मान लीजिए मैं आपसे ये पूछ लिया होता, तो फिर आप क्या कहती? तो आप क्या कह रही थी? मैं आपको अपने घर अपना कमरा पेंट करवाने बुला दी, कम से कम वहाँ मामा के हाथ की गरम गरम कॉफी तो मिलती। अरे यहाँ तो आपको डिनर मिलेगा मोना डार्लिंग। डिनर में क्या, आप सोने की बिस्किट खिलाओगे रॉबर्ट? क्योंकि आपके मोना डार्लिंग को तो खाना बनाना ही नहीं आता। आप शायद भूल रही है कि हमें कफे चलाते हैं और हमारा नाम है एशली डब्बा वाला। सॉरी मिस्टर डब्बा वाला, बाय द वे आप ये घर पेंट क्यों करवा रहे? क्या कोई शादी वादी का चक्कर है? आइडिया तो वो नहीं था, लेकिन सिंस यू मेंशन इट, मैं सोच रहा हूँ व्हाई नॉट। वैसे आपको मैंने रिचा की शादी में देखा था, आप बहुत खूबसूरत लग रहे थे इन इंडियन ट्रेडिशनल आउटफिट। ऐश, आप मुझे इंडियन ट्रेडिशनल आउटफिट में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। सो यू स्टैंड नो चांस हनी, यू डायल द रॉन्ग नंबर। रॉबर्ट काम करे। जो हुक्म होना डार्लिंग, उठाइए। राहुल, बिहेव योरसेल्फ, पुट मी डाउन। प्रिया, I love you प्रिया, I really missed you प्रिया। मुझे तुम चाहिए प्रिया। मैं तुम्हारी ही हूँ। ऐसे नहीं, हर वक्त, हमेशा। You should only belong to me. I really need you, Priya. मतलब? मैं तुम्हें जब भी छूना चाहूं, तुम हमेशा मेरे पास हो। हमेशा प्रिया, हमेशा। What? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि मैं अपने जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन मैं इतना अचानक ले लूंगा। I'd always imagined candlelight dinners. Dinners maybe not, but candles yes. हम दोनों प्यार के नशे में धुत, lot of romance. And see what I've done. So?